आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फर्जी लूट की घटना का आधारित है। कल रात को 2 बजे हमको सूचना मिली थी कि साहब पेट्रोल पंप पे 4 लोग आए थे बदमाश और पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ मारपीट करके और लगभग 4 लाख रुपए आरोपी छोड़कर इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी निकाले हैं जिसमें से विष्णु पिता कलम सिंह इसके 2 अपराध हैं और गोविंद हडा के 1 अपराध है। पूरा लेवल में करो डब्बे 4 से 3 हो गए क्या पूरा मामला था और पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची? देखिए पीपलरवा थाना पुलिस ने एक फर्जी लूट की कहानी गढ़कर लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 4 लाख रुपए कैश और अन्य मशरू का जब्त किया है, बरामद किया है। इसमें इन लोगों ने 2 दिन पहले आपस में मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। क्या मकसद था सर मैनेजर इनको का? पैसे की आवश्यकता थी, मैनेजर था, उसने 3-4 दिन का कैश डिपॉजिट करके और फिर 4 लोगों ने मिलके 5-6 लोगों ने ये प्लानिंग की। सीसीटीवी कितना कारगर मददगार साबित हुआ? पेट्रोल पंप पे जो कैमरा लगे हुए थे उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी एक DVR में कुछ फुटेज थे उनके आधार पर हमने उनको आइडेंटिफाई किया। थैंक यू।